आज मैं आपसे एक कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कोफ्ता करी दूसरे कोफ्ता करी से बहुत अलग है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मटर साग का कोफ्ता करी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मटर का साग लिए हैं और इसे बारीक काट लिए हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह का होता है मटर का साग। ये साग करीब दिसंबर से लेकर करीब मार्च तक मिलता है बाजार में और बड़े बड़े डंठल में आते हैं, तो हम इस तरह का तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह का आता है बाजार में, तो इसका सख्त पार्ट जो मोटे मोटे होते हैं और हार्ड होता है, ये तोड़ लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे सारे मटर का साग में से इस तरह का। और इस तरह का साग लेकर पानी से धोकर छानकर और इस तरह का काट लेंगे। देखिए बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है। तो अब चलिए सबसे पहले इसका कोफ्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब इसमें सबसे पहले बेसन डालेंगे। तो साग जितना लेंगे उतना ही बेसन लेंगे, यानी मैं 200 ग्राम साग ली हूँ तो 200 ग्राम ही बेसन लिए हैं। तो सबसे पहले बेसन डाल लिए हैं। अब इसमें अदरक कुटा हुआ डालेंगे, नमक आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच, जीरा पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच और ये हरी मिर्च, एक हरी मिर्च को काट कर डाल लिए हैं। अब इस सारे को मिला लेते हैं पहले, फिर इसमें डालते हैं साग और साग थोड़ा थोड़ा ही पहले डालेंगे और मिलाते जाएंगे, हाथ से मसलते जाएंगे और रखते जाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से मसलेंगे साग को और डालते जाएंगे साग। अब सारे साग डाल लिए, अब इस तरह से मसल मसल कर इसे सॉफ्ट करेंगे साग को। और पानी बिल्कुल अभी नहीं डालना है, जरूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे। तो देखिए इन सारे मिश्रण को मसल मसल कर सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसे चेक करते हैं कि कोफ्ता बन रहा है कि नहीं। तो अभी इसमें एक दो चम्मच पानी डालना पड़ेगा, तो डाल लेते हैं। तो पानी डाल लिए, अब इसे एक बार फिर से मिला लेते हैं सारे चीजों को। तो मिला लिए अब, और देखिए कितना कम हो गया साग मिलकर। और इस तरह से कोफ्ता बनाएंगे इसका, हाथ में लड्डू की तरह इसे पहले बांध लेंगे और इस तरह थोड़ा फ्लैट कर देंगे और रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर रख लेते हैं पहले। तो देखिए सारे कोफ्ते बनाकर रख लिए, अब चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके गैस पर पैन रख लिए। अब इसमें तेल डालते हैं और तेल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे कोफ्ता। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके सारे कोफ्ता डाल लेंगे। तो इस तरह से डाल लेते हैं सारे। तो सारे कोफ्ता डाल लिए हैं, अब इन्हें एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर दूसरी तरफ पलटेंगे। तो हाई फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम सारे को पलट लेते हैं। तो अब सारे पलट लिए हैं, अब हम इसी तरह से दूसरे तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर निकालेंगे इसे। तो देखिए अब इस तरह से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है सारे कोफ्ते। तो अब निकाल लेते हैं सारे कोफ्ते को। तो कोफ्ते को एक छोटा की सहायता से निकाल लेते हैं ताकि इसमें एक्स्ट्रा तेल ना रहे। तो सारे कोफ्तों के निकाल लिए हैं, अब हम इसी तरह से बाकी कोफ्ता भी तल लेते हैं। तो अब बाकी का कोफ्ता भी तलकर निकाल लिए। अब इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे, तो इसी पैन में बनाएंगे। तो इसमें बहुत ही तेल है, तो इसमें से सारे तेल निकाल लेते हैं और बाकी दो चम्मच तेल रख लेंगे। तो देखिए तेल निकाल कर दो चम्मच रख लिए हैं इसमें। अब तेल गर्म है ही, इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं और लाल मिर्च भी। अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। अब इसमें डालते हैं जीरा। तो जीरा चटक चुका है, अब इसमें डालते हैं ही। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाले, नहीं तो इसे अवॉइड करें। एक पिंच हींग डालेंगे तो। अब इसमें मसाले डालते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, इसके जगह आप लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं तो एक चौथाई छोटी चम्मच ले और इसे मिला लेते हैं। धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच,
अब मसाले की इस तरह से थोड़ी देर मिला लेते हैं। अब तुरंत ही इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने ये 4 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 लहसुन की कलियां को मिक्सी में पीस लिए हैं, और इसे डालकर इस तरह से मिलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे। तो भून लेते हैं पहले। तो देखिए मसाला भून चुका है। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आप चाहे तो पहले से ही बेसन को भून कर निकाल लें और फिर मसाला भूनने के बाद डाल सकते हैं। मैं इसी में डाल लूंगी, बेसन को भून लूंगी थोड़ी देर। तो साइड में मसाला को साइड कर लेंगे और इस तरह से इसमें डालकर और इस तरह से साइड इस तरह से करेंगे तो इस थोड़ा सा तेल भी इसमें आ जाएगा, तो अच्छी तरह से भून जाएगा बेसन। देखिए इस तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, और आप चाहे तो अपने मनपसंद ग्रेवी में बना सकते हैं कोफ्ते को। जैसे दही से बना सकते हैं, क्रीम से बना सकते हैं, काजू से बना सकते हैं। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगेगा उस ग्रेवी में भी, और ये सिंपल ग्रेवी में भी ये कोफ्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये चीजें सभी के घर में इजिली अवेलेबल होता है। तो अब ये भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं पानी। 4-5 चम्मच पानी डालेंगे, और एक ही बार नहीं डालेंगे, एक दो बार इस तरह से करके और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मसाले में लम्स ना रहे। तो देखिए मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लिए हैं। इसमें डालेंगे अभी 2 कप पानी। इतने कोफ्ते में हमें 4 कप पानी लगेगा, क्योंकि हम बेसन से कोफ्ता बनाए हैं तो बेसन पानी को सोखता है। यदि आप बड़े कढ़ाई या तो पैन में बना रहे हैं तो एक ही बार 4 कप पानी डालकर फिर उबाल कर इसमें कोफ्ता डालें। मैं अभी इस पैन में बना रही हूँ तो इतने पानी एक ही बार में नहीं लगेगा, कोफ्ता भी फिर डालना पड़ेगा। तो एक तरफ गैस पर हम गर्म पानी कर लेते हैं 2 कप, और बाद में डालेंगे उसमें। तो देखिए उबल चुका है ग्रेवी, अब इसमें डालते हैं कोफ्ते और इसे इस तरह से मिला लेंगे, और ढककर इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। और इसमें गरम मसाला और नमक इसी वक्त डाल लेते हैं। दोनों आधा आधा छोटी चम्मच डाले हैं, और नमक कोफ्ता बनाते समय भी डाले थे, तो इसी हिसाब से डालिएगा और टेस्ट के अनुसार से डालिएगा। तो अब इसे ढक देते हैं, और ढककर 2 मिनट पकाने के बाद इसमें गर्म पानी 2 कप मैं डालूंगी, क्योंकि मैं अभी 2 कप ही डाली हूँ। यदि आप 4 कप में पका रहे हैं तो डालने की जरूरत नहीं है पानी। तो देखिए 2 कप पानी डालकर फिर से मैं 2 मिनट पका लिए हैं। कोफ्ता सॉफ्ट हो चुका है। देखिए यदि कोफ्ते सॉफ्ट नहीं हुए होते तो 1-2 मिनट ढककर और पका लेते सॉफ्ट होने तक। कोफ्ता को पकाना है हमें, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए इसी तरह की होनी चाहिए। तो हमारी सब्जी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और धनिया पत्ता डालकर मिला लेते हैं। अब सब्जी को ढककर 1-2 मिनट छोड़ देते हैं, फिर सर्व करेंगे सब्जी को। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को सर्व करते हैं, और सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसका कलर देखिए और टेक्सचर भी, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे जरूर बनाकर खाइए और मुझे बताइएगा कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी थी। तो चलिए मैं 1 कोफ्ता को काट कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है कोफ्ता, इसके अंदर तक भी गई है। तो आप 1 कोफ्ता करी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।